वेलकम गाइज, मेरा नाम है पुलकित सैनी और आज किसी वीडियो में लोग बात करेंगे आपके वर्क के हिसाब से कौन सी पाइथन की आईडी आपको सूट करती है। इस वीडियो में तीन से चार आईडी के बारे में बात करेंगे, पाइचान, जुपिटर, स्पाइडर, आइडल और एक दो ऑनलाइन आईडीज और है जिनके बारे में लोग बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते आज की वीडियो। गाइस, पहली आईडी जो इस वीडियो में लोग बात करेंगे उसका नाम है आइडल। ऐसी आईडी है जो पाइथन में प्री इंस्टॉल आती है। सो आप सबसे पहले अगर आपको अपने सिस्टम में आइडल इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना और टाइप करना है पाइथन डाउनलोड, और यहाँ से जाके आप लोग पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। और जब भी आपका पाइथन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप अपने सर्च बार में जाके सिंपल टाइप कर सकते हैं IDEL, और ये देखिए आपके इसमें पाइथन में कि मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसके लिए दिखा रहा है पाइथन 3.7 64 बिट। तो जैसे ही आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा ये आईडी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। अगर आप बिगनर अभी पाइथन सीख रहे हैं तो ये आईडी आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये तो आप इस आईडी में सिंपल यहीं पर कोड कर सकते हैं, लाइक मैं आप लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और एंट्री ये यहाँ पर प्रिंट कर देता है। ये अगर आपको उसमें फाइल्स बना के वर्क करना है तो फाइल न्यू फाइल आप इसमें भी फाइल बना के वर्क कर सकते हैं, लाइक प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं हेलो पुलकित भाई, और इसको रन करने के लिए सबसे सिंपल आपको ये फाइल सेव करनी होगी और इसमें टेक्स्ट पे सेव कर देते हैं idle.py। और यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा एक मैसेज आ गया हेलो पुलकित भाई। तो ये भी गाइस एक बेस्ट अच्छी आईडी ही बोल सकते हैं। अगर आप बिगनर लेवल पे आपको पाइथन का भी इतना ही आता है, पाइथन सीख रहे हैं तो आपको भी बड़ी आईडी की तरफ जाने कोई जरूरत नहीं, आप इस आइडल के थ्रू भी पाइथन सीख सकते हैं। और सिंपली अगर आपको इसमें मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो आप अपने इसमें जा सकते हैं सर्च बार में और टाइप कर सकते हैं CMD, और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पिप इंस्टॉल कोई किसी भी मॉड्यूल का नाम जो आपको इंस्टॉल करना है टेकिंटर। मेरे सिस्टम में एनाकोंडा के प्रमुख कमांड प्रमोट में कोई भी पिप कमांड नहीं रन कर करती क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो एनाकोंडा प्रमोट पे सेट है। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी अगर मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है तो एनाकोंडा प्रमोट में इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बढ़ते हम अपने अगली आईडी के थ्रू आईडी की तरफ। दोस्तों हमारी अगली आईडी है उसका नाम है पाइचान। पाइचान भी अगर आपको एक प्रोफेशनल पाइथन के डेवलपर है और आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप वर्क करना चाहते हो तो पाइचान आपके लिए बेस्ट आईडी है। ये एक तो प्रोफेशनल वर्क में काम आएगी और इसमें अगर आपको कोई कोई छोटे छोटे सिंटेक्स होते हैं जो प्री बिल्ट इंटेलिजेंस आईडी होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें सिंपली इसमें आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें पूरा पूरा एक फोल्डर क्रिएट करके अपना पूरा काम कर सकते हैं, और इसमें आप मॉड्यूल भी एक सिर्फ पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसमें मॉड्यूल इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। आप देखिए जैसे मेरे इसमें सबसे पहले ही एक फोल्डर खुला है FPython और मैट्रिक्स। ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट था जो मैं अपने इस कॉलेज के लिए बना रहा था। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स है, फ्लास्क ऐप, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है। अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊं तो आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी। ओके, तो ये कोई एरर दिखा रहा है, लेट्स चेक कि तो पहले कॉन्फ़िग कर रहा है आईडी, ये भी अपडेट नहीं है तो कोई नहीं इसको अपडेट होने देते हैं। ये भी तो थोड़े बहुत कोई एरर दे रहा है तो चलिए इसको बाद में देखते हैं। ये थोड़े मेरे इसकी एनाकोंडा प्रमोट की मैंने इसमें मिसमैच कर दिया था। सो कोई बात नहीं, ये भी आईडी अगर आपके लिए पाइथन सीख चुके हैं, आपके पास पाइथन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ये आईडी भी आपके लिए बेस्ट आईडी है। इसमें अगर आप कुछ भी आप फॉर्मेट करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप रूट, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहे हैं मैं इसका। ये इंटेलिजेंस के थ्रू भी काफी यूज, ये पाइचम काफी यूज होती है। अगर आपको पाइचम डाउनलोड करनी है आप सिंपल गूगल पे जाइए, उसको बंद कर देते हैं, गूगल पे जाके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप डाउनलोड पाइचम। तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी बट ये फिर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपल करना है कम्युनिटी वाले पोर्शन पे जाना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
आपको, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पाइथन यूज करनी है तो आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आपका कम्युनिटी वाला तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आपको पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज करनी है लाइक HTML CSS और SQL के भी इंटेलिजेंस चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला प्रोफेशनल, बट अगर आप सिंपल पाइचार्म यूज करते हैं कम्युनिटी एडिशन आप उसमें भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर हम अगली वीडियो की अगली आईडी की तरफ बढ़े तो इसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर भी एक अच्छी आईडी यूज में यूज होती है, और ये अगर आप मशीन लर्निंग AI के पे काम करते हैं तो स्पाइडर और जुपिटर ब्राउजर ये दोनों एक ही कंसोल पे काम करते हैं, इसका नाम है एनाकोंडा प्रमोट। ये दोनों भी काफी अच्छी आईडीज है, आप लोग अगर AI और ML ये डीप लर्निंग पे काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइडर डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली आपको अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है एनाकोंडा पाइथन डाउनलोड, और ये आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है इंडिविजुअल एडिशन। इंडिविजुअल एडिशन पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वर्जन देख लेना कि आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का, वहां पे जाके आप क्लिक कर लेना और ये आपका देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। उसके बाद ये आपका डाउनलोड होने के बाद ये आपके एक तो स्पाइडर ब्राउजर स्पाइडर आईडी और ये आपके सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर, ये आपके सिस्टम में एक और आईडी इंस्टॉल कर देता है जिसका नाम है जुपिटर ब्राउजर, वो मैं आपको भी रन करा के दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस कैसा होगा। अभी ये देखिए हमारे यहाँ पे पाइथन की आईडी इंस्टॉल हो चुकी है, पाइथन की आईडी कह रहे हैं सॉरी, स्पाइडर ब्राउजर ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं, अभी वर्क चल रहा था मेरा डाटा प्रोसेसिंग का। ये भी एक अच्छी आईडी, अगर आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के थ्रू काम करना चाहते हैं तो एनाकोंडा प्रमोट भी, तो एक तो एनाकोंडा प्रमोट थोड़ा पाइथन के नॉर्मल ब्राउजर से लिटिल बिट फास्टर है, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है आइडल ब्राउजर की, और इसका बेनिफिट ये है कि आप कोई भी मशीन लर्निंग का मॉड्यूल इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसके बाद एक बार और जुपिटर ब्राउजर भी रन करके दिखा देता हूँ गाइज। लेकिन अब मशीन लर्निंग में एक प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि जो हमारे लो स्पेक्स पीसी होते हैं उनमें मशीन लर्निंग के काफी मॉड्यूल्स रन नहीं हो सकते, जैसे टेंसरफ्लो हो गया और थोड़े बहुत और मॉड्यूल्स जो हमारे इंस्टॉल होने प्रॉब्लम होती है, कन्फिग करने प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे लो स्पेक्स पीसी में पाइथन के मशीन लर्निंग के मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं जब भी एनाकोंडा प्रमोट आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे इसमें ये दो तीन ब्राउजर आ जाएंगे, आपको टेंसरफ्लो सीपीयू यूज करना है या स्क्रैपिंग यूज करना है, और एक ये देता है आपको जुपिटर ब्राउजर। अगर मैं जुपिटर ब्राउजर रन करो इसका भी आपको जुपिटर ब्राउजर की, अगर आप मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में भी बना रहे हो तो जुपिटर ब्राउजर का आपके लिए सबसे बेस्ट आईडी ये है, अगर आपके सिस्टम में मशीन लर्निंग के मॉड्यूल इंस्टॉल है। अदरवाइज आप लोग एक और ऑनलाइन आईडी का नाम भी आगे बताऊंगा कौन सी आईडी आप यूज कर सकते हैं। गाइस सिंपली आप देख सकते हैं मेरा जुपिटर ब्राउजर रन हो गया, मैं आपको इसमें एक फॉर्मेट खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा जुपिटर ब्राउजर की आईडी है, इसमें सिंपली अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो एंड शिफ्ट एंटर तो इसने डायरेक्टली मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो। और इस आईडी की सबसे बेस्ट ये अगर मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ A=5 और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड B=5, तो गाइज मैं इसमें चाहे ए और बी कितनी बार यूज कर लू कैसे यूज कर लू, लाइक C=A+B और यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है सी प्रिंट सी, इसने मेरे को यहाँ पे 10 दे दिया है। अगर एट द एंड में यहाँ पे भी C=A-B करना चाहूँ और अगेन प्रिंट सी तो ये यहाँ पे भी आउटपुट देगा, मतलब अगर आपने इसमें एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दिया कोई मॉड्यूल लोड कर दिया तो आपको जरूरी नहीं कि आप प्रोग्राम में अगर आप कोई चेंज करते हो तो आपको बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ता है, बट अगर मैं यहाँ पे 5 की वैल्यू 10 कर दूँ तो मेरे को बार बार ये तीनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने होंगे, तो जिससे ये सब ओपन हो जाएगा इजिली रन हो जाएंगे। इस आईडी का यही बेनिफिट है, अगर मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इम्पोर्ट कर देता हूँ लाइक इम्पोर्ट टिक इंटर तो ये एंटायर प्रोग्राम मेरा टिक इंटर इम्पोर्ट रहेगा, मैं चाहे इसके यहाँ पे ऊपर जो भी चेंज करते रहेंगे हमको वो तो एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे, बट वो कोई भी नीचे अगर हम फाइल ओपन करते जाएंगे तो हमें इसमें कोई भी मॉड्यूल इस बार बार रन नहीं कराना पड़ेगा। लाइक मशीन लर्निंग से कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि आप कहीं कई देर 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे मॉड्यूल्स इम्पोर्ट कर देते हैं उसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं है वो इम्पोर्ट करने मॉड्यूल्स बार बार
5 से 10 मिनट वेट करने की। आप सिंपल पॉड में छोटा सा चेंज करके, लाइक यहाँ पे चेंज करके आप वो चेंज दे सकते हैं। और गाइस इस आईडी को रन करने के लिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अगर आपको उसमें एंटर नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो सिंपल आप एंटर दबा सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम एंटर करके, लाइक मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, अगर मेरे को चाहता हूँ कि मैं सिंपली सिर्फ प्रोग्राम रन हो जाए, मेरा नेक्स्ट टैब में नहीं जाए, तो मैं दबा सकता हूँ कंट्रोल एंटर, ओके प्रिंट सी, कंट्रोल एंटर करने भी मेरे को सिर्फ ये आउटपुट देगा। अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट ब्राउजर में चला जाएगा। तो गाइस अब अगर आप बढ़ते अपनी नेक्स्ट आईडी की तरफ, जिसका नाम है कोलैब, गूगल कोलैब, सिंपल आपको गूगल पे जाके लिखना है गूगल कोलैब। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कैसे आप लोग गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हो वहां पे चेक कर सकते हैं आई बटन पे। और गाइस अगर आप एंड्रॉइड यूजर है और आपको पाइथन में, अपने एंड्रॉइड फोन में आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, पाइथन रन करनी है, तो आपके लिए एक और ऐप आता है पाइड्रॉइड। आप सिंपली पाइड्रॉइड 3 एंटर टाइप कर दीजिए अपने, या आप अपने प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं। गाइस ये पाइथन की एक आईडी है जो आपके मोबाइल में सपोर्ट करती है, मोबाइल में आप अपने मोबाइल में पाइथन का कोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है आपके, फिर भी आप लोग पाइथन को रन करना चाहते हो तो आप इससे इजिली रन कर सकते हो। तो हे गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।